हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि मेरा एक फर्स्ट चैनल है इंडियन लाइफस्टाइल विद रितु, तो वहाँ पे मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। वहाँ पे मुझे क्वेश्चन आया था कि मैं अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या फील की थी, क्या मेरे साथ चीज़ें हुई थी, वो सारी बातें शेयर करूँ। तो आज मैं यही शेयर करने आई हूँ आप सभी के साथ। तो अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, इंडियन लाइफस्टाइल विद रितु। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पिन कमेंट में दे दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। और वहाँ पे बहुत सारे प्रेगनेंसी पीसीओडी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। तो अभी मैं यहाँ पे उसका आंसर दे रही हूँ। बात है 2017 की, जब मैं कंसीव की थी तो मुझे हर महीने ऑन टाइम पीरियड्स आते हैं। मुझे 30 डेज का सर्कल है और मैं 30 डेज ऑन टाइम पीरियड आते हैं, कभी एक दो दिन ऊपर नीचे बाय चांस ही हुआ है। लेकिन मेरा टीन एज में जब मैं थी 14-15 साल की, तब मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने चेक करवाया था तो पीसीओडी की शिकायत मेरी आई थी, जो उसी टाइम मैंने क्योर कर लिया था। क्योंकि मेरा अर्ली टाइम में मेरा पीसीओडी क्योर हुआ था, क्योंकि मुझे अर्ली टाइम में मेरा पीसीओडी डायग्नोस हुआ था। तो मुझे ना उसको ठीक करने का उसी टाइम में ठीक मैं कर पाई थी। और आज तक राइट नाउ मैं 29 की हूँ और 14 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई है। लेकिन मेरी कंसीव के टाइम में मैं बहुत परेशानियों से गुजरी थी, क्योंकि मेरी दो बार मिसकैरेज हो जाती थी। मिसकैरेज नहीं बोलूंगी, बेबीज का हार्ट बीट आ जाते थे। बेबीज 3 महीने को हो जाते थे लेकिन वो 4 तक नहीं पहुंच जाते थे। बेबीज के हार्ट बीट बंद हो जाते थे अंदर ही। तो ये चीज मेरे लिए बहुत तकलीफ देह होती थी, क्योंकि आप बच्चे को 3 महीना पेट में रखो, इतने इतने दिन पेट में रखो, उसके बाद बच्चों का हार्ट बीट बंद हो जाए तो वो बहुत तकलीफ देह होता है। आप सभी को पता होगा कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ट्विंस बेबी थी और सेकंड में सिंगल बेबी था। तो टोटल 3 बेबी को मैं झेल चुकी हूँ इस टाइप से। तो जब अभी मैं बात करूंगी कि जो मेरा अभी रिसेंट में लट्टू हुआ है, 15 मंथ का है वो, तो वो जो हुआ है उसके टाइम में मैंने क्या फील किया था पहले 3 महीनों में। तो जैसे कि मेरा 30 डेज का सर्कल है तो मुझे पीरियड मिस हुए थे। तो जब आप पहली बार कंसीव करते हो ना, तो सेकंड टाइम में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी कंसीव्ड है। और समझ में आ गया था मुझे, लेकिन फिर भी टेस्ट करना जरूरी था। लेकिन मैं जल्दी टेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने 15 दिन टाइम लिया, 15 डेज के बाद मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। फिर मैं डॉक्टर के पास इंस्टेंट गई, उसी दिन गई थी डॉक्टर के पास। उन दिनों मैं गुड़गांव में रहती थी, वहाँ सेक्टर 5 में रहती थी। वहाँ पे डॉक्टर पूर्णिमा कपूर है, हेल्थ केयर सेंटर ऐसा कुछ नाम है, हॉस्पिटल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर पूर्णिमा कपूर है 5 नंबर सेक्टर 5 में। तो वहीं पर मैं गई थी। वो मेरे लिए वो डॉक्टर नहीं है, भगवान है। इनिशियल जो 3 से 4 महीने बच्चे का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उन दिनों से उन्होंने मुझे निकाला, तो वो मेरे लिए भगवान है। मेरे लाइफ में मेरा बेबी आया है तो उन्हीं की वजह से आया है। तो मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलती रहूँगी और उनके लिए हमेशा दिल से मेरे अंदर से अच्छी गुड विशेज ही निकलेगी। मतलब क्या बोलूँ, आप समझ सकते हो। तो पहले महीने में नॉर्मली क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग होती है, डिजीनेस होती है, थकावट होती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा लड्डू जब मैंने कंसीव किया तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। इसलिए जो मेरा डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट्स तो देख रखे थे, उसके वजह से डॉक्टर ने मुझे फुल ऑन 3 से 4 महीना रेस्ट के लिए बोला था, बेड रेस्ट। पर आप समझ सकते हो कि बेड रेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। एक हम मिडिल क्लास फैमिली में, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं होता है, घर के 75 काम होते हैं, इतना आप 24 घंटे बेड पे पड़े नहीं रह सकते हो। तो फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन उन दिनों मेरे हस्बैंड, मेरे देवर भी थे, मेरे हस्बैंड के भाई, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर ने काफ़ी हेल्प की थी और काफ़ी उन्होंने ख्याल रखा था। उसके बाद जब पहला 3 महीना में जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को ब्लीडिंग होती थी। जब बेबी 3 महीने का हो गया था मेरे अंदर, 3 महीने 2 दिन जब मुझे फील लगा कि अब मुझे बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि उन दिनों में मैंने किसी को भी नहीं बताया था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। सिर्फ मैं जानती थी, मेरे हस्बैंड मेरे देवर जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो इवन मेरे इन लॉज भी नहीं जानते थे। तो
जब मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया कि क्या मैं बताऊं, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप और 15-20 दिन रुक जाओ, मीन्स 3.5 महीना 4 महीना हो जाने तो फिर बताना। डॉक्टर भी थोड़ा सा कंसर्न रहती है। तो 3 महीना मुझे अभी भी याद है, 3 महीना 2 दिन जब हुए थे तो मुझे ब्लीडिंग, मैं नॉर्मल बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, और मुझे ब्लीडिंग आ गई। जब मुझे लगा कि मुझे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ, तो मैंने जाके चेक किया, तो वो पूरा मतलब ब्लड, काफ़ी जो पजामी मैंने पहन रखी थी उस पर काफ़ी ब्लड थे। तो मेरा तो दिमाग चकरा गया था, मैं क्या करूँ। मतलब अंदर से आप घबराहट समझ सकते हो, जो 2 बार जो मैंने झेल लिया है, उसके बाद 3री बार की घबराहट तो आप मेरे समझ सकते हो कि मैं। और उस टाइम रात का 8:30 बज रहा था और सर्दी का मौसम था, सर्दी स्टार्ट हो गई थी, अच्छी वाली सर्दी। तो मतलब ऐसा हो रहा था, और उस दिन मेरे हस्बैंड नहीं थे, लेकिन मेरे देवर उस टाइम घर में थे। तो मैं उनको बोली कि आप फटाफट चलो डॉक्टर के पास। तो प्लस पॉइंट मेरे पास ये था कि मेरा जो घर था वो डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही था, हॉस्पिटल के पास था, 5 मिनट का रास्ता था। तो उन्होंने मुझे स्कूटी पे बैठाया और फटाफट मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर जस्ट जा ही रही थी घर और निकल चुकी थी हॉस्पिटल से, जस्ट वो अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, और मैंने उनको बोला वहीं पे जाके। तो वो आई अंदर और चेक की मुझे। वो अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसी ही होती है, लेकिन वो सिर्फ हार्ट बीट सुनने की मशीन होती है, उसमें आपका इमेज नहीं दिखता है। तो उन्होंने पूरा हार्ट बीट चेक किया, तो हार्ट बीट चल रही थी बच्चे की, जो लड्डू है उसकी हार्ट बीट अंदर चल रही थी, लेकिन मुझे ब्लड आया जा रहा था, वो भी रेड कलर का, पूरा रेड कलर का ब्लड आ रहा था। तो आपको क्या बताऊं, रेड कलर का ब्लड था, और डॉक्टर ना अपनी फिंगर से अंदर डाल के, ये फिंगर ग्लव्स पहन के, ये फिंगर अंदर डाल के और चेक की। बहुत वो टाइम मेरे लिए, आप समझ सकते हो, जिनके साथ ये सब चीज़ गुजर चुकी है वो समझ सकती है कि उस टाइम में अंदर क्या चल रहा होता है। मतलब मैं डॉक्टर को बोले जा रही हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके बचा लो, पर हार्ट बीट चल रही थी ना। तो डॉक्टर ने मुझे इंस्टेंट 2 इंजेक्शन दिए थे, और वो बोली थी कि अगर आपको एडमिट होना है तो अभी एडमिट रहो, और या फिर नहीं होना तो आप घर जा सकते हो, कल आप आ जाना। और उन्होंने, तो मैं कल आई, दूसरे दिन आई और अल्ट्रासाउंड किया, पर अल्ट्रासाउंड में एकदम सब ठीक था। पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि, क्योंकि मैं, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट तो बोल रखा था, लेकिन मैं बेड रेस्ट पॉसिबल होती ही नहीं है। देवर मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी खुद से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी वाली डांट लगाई और बोले कि आप खुद ही जिम्मेदार हो गए अगर आपके बच्चे को कुछ हुआ तो। आपको अगर बेड पर बोला गया है तो कुछ सोच के बोला गया है, आपको बेड पर रहना है चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो उस दिन से मुझे डॉक्टर ने 10 दिन तक आई थिंक 3 टाइम का इंजेक्शन दिया। जो वीकली इंजेक्शन मुझे चलते थे वो तो चलते ही थे, वो भी हाई लेवल के थे, जो एक ऑयल इंजेक्शन होती है और एक एससीजी इंजेक्शन, वो 5000 जो होता है वो 10000 का मुझे दिया जा रहा था, और एक ऑयल इंजेक्शन होती है जो नॉर्मली 12 ml का कुछ होता है वो दिया जाता है लोगों को, बहुत ज़्यादा तो 20, लेकिन मेरा 60 ml का दिया जा रहा था। वो बहुत दर्द वाला इंजेक्शन था, आज तक उसकी गांठें है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जब नीचे बैठती हूँ तो मेरी हालत क्या होती है, अभी भी पेन में हूँ मैं। तो वो इंजेक्शन मुझे वीकली, जो इंजेक्शन चलते थे मेरे 4 इंजेक्शन वीकली चलते थे, और उसके बाद 10 दिन तक मुझे 3 टाइम इंजेक्शन लेना था, सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम इंजेक्शन लेना था बच्चे की हार्ट बीट के लिए। और मेडिसिन भी काफ़ी सारे मेडिसिन थे, मैं वो दिन याद करती हूँ ना, वो बहुत दर्दनाक दिन है मेरे लिए बहुत। जब डॉक्टर इंजेक्शन देते थे ना, मैं उनके हाथ पे मारती थी, क्योंकि वो बहुत बहुत पेन होता था। आप सोचो ना, एक इंजेक्शन आपके बम पे पड़ रही है, वो गांठ बन चुकी है, और उसके ऊपर से फिर से इंजेक्शन दिया जा रहा है। डॉक्टर भी कहाँ देंगे, जब आपको 3 टाइम इंजेक्शन पड़ेगा तो डॉक्टर कहाँ देंगे, बताओ। बहुत बहुत भयानक वाला वो टाइम था। ये सब आपके साथ शेयर करने का रीजन ये है कि जो गलतियां मैंने की थी, डॉक्टर बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डॉक्टर अगर आपको कह रहे हैं कि आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट करो, आप खुद को डॉक्टर मत बनने दो। तो
जो मैं नहीं करती थी, लेकिन आपको करना चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो, दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, उससे कोई मतलब आपको नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी को डॉक्टर अंदर से बाहर सब डॉक्टर चेक करते हैं ना। डॉक्टर की सुनो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और जो भी बेबी को बचाने के लिए आपको करना पड़े करो। फीवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे पहले दो प्रेगनेंसी में होती थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मेरे को ये सब चीज़ें कभी नहीं हुई। वॉमिटिंग मुझे कभी नहीं हुई, फीवर का शिकायत मुझे नहीं हुआ। हाँ, मुझे कभी कभी सर में पेन होता था कभी कभी, लेकिन ये सब ज़्यादा मुझे वैसी वाली दिक्कतें कभी नहीं हुई। 3 महीना मेरा, अगर मैं वो ब्लीडिंग का ऑप्शन छोड़ दूँ, ब्लीडिंग वाली चीज़ छोड़ दूँ, तो 3 महीना मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुई। और 3 महीने में सही में रेस्ट करना चाहिए। 3 महीने में पूरा रेस्ट की, 4 महीने तक मैं पूरा रेस्ट की थी 4 महीने तक। और उसके बाद मैं गुजरात चली गई, तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, मीन्स 3.5 महीने का जो टाइम था, वो मेरा पूरा रेस्ट पे गया है। और मेरे बच्चे को इनिशियल डेज में बचाने का पूरा क्रेडिट जाता है डॉक्टर पूर्णिमा कपूर, जो मेरे लिए भगवान है, और मैं पूरी ज़िंदगी उनका ये एहसान नहीं भूलूंगी। और बहुत अच्छी डॉक्टर है, जो डॉक्टर आपकी बात सुने, आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे ना, वो डॉक्टर रियल में अच्छा होता है। और डॉक्टर पूर्णिमा कपूर रियल में अमेजिंग लेडी है, बहुत एज वाली नहीं है, बहुत यंग है, आई थिंक बिलो 40 होगी वो। और उनके हाथ में भगवान बसता है, गॉड है उनके हाथ में, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ, आज भी मैं उनको थैंक यू बोलती रहती हूँ, कभी कभी बात हो जाती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर का आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर की परेशानियां बताऊंगी जो जनरली होती है, और मेरे साथ क्या हुई थी और मैंने उसको कैसे डील किया था। अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करना। बस इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की, और कुछ सब्सक्राइबर की जो वो जानना चाहते थे मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को, तो उनको उनका जो क्वेश्चन का आंसर था वहाँ पे यहाँ पे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल बटन भी दबा देना ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।